जब कुछ ना हो घर में बनाने को, तो दाल चावल से बनाए हेल्दी और टेस्टी नाश्ता। इस नाश्ते को आप सुबह शाम दोपहर कभी भी बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। स्वागत है आपका अपने मिक्स रसोई रेसिपी चैनल में। हमने यहाँ पे बासमती चावल लिए हैं जिन्हें हमने रात को भिगो के रख दिया था। आप कोई से भी चावल ले सकते हैं। हमने ली है उड़द की दाल जिसमें हम रात में भिगो के रख दिया था। देखिए दाल भी गल चुकी है। आप चाहें तो उड़द की कोई सी भी दाल ले सकते हैं, छिलके वाली। हमने यहाँ पे धुली हुई उड़द की दाल ली है। तो यहाँ पे हम दाल और चावल को पीस लेंगे एक मिक्सी के जार में डालकर। आप चाहें तो इसे सिलबट्टे में पीस सकते हैं। दाल चावल को दोनों एक साथ पीसेंगे। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, हल्का सा पानी डालेंगे एक दो चम्मच के करीब, क्योंकि जो अगर पानी डाल देंगे तो दाल है और चावल है पतले हो जाएंगे, तो आपके पकौड़े अच्छे बन नहीं पाएंगे। तो दाल चावल पीस चुके हैं। हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमने इसे थोड़ा सा दरदरा रखा है। अगर हम बिल्कुल महीन पीस देंगे तो जो पकौड़े हैं वो थोड़े क्रिस्पी नहीं बन पाएंगे। पकौड़े का बैटर बनाने के लिए हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। अब साथ में अब हम डालेंगे स्प्रिंग ऑनियन, हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 से 4 हरी मिर्च ली है। यहाँ पे हमने लिया अदरक लहसुन जिसको हमने कूट लिया था। साथ ही हम गरम मसाला ऐड करेंगे, एक पिंच हींग, नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे हमने खारने वाला सोडा यूज़ किया है। सोडे से जो हमारे पकौड़े हैं वो एकदम क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनेंगे। इन मिक्सर को मिक्स कर लें अच्छी तरीके से। आप चाहें तो हाथ से ही मिक्स कर सकते हैं। हमने यहाँ पे चम्मच की सहायता से मिक्स किया है। इसे 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरीके से, मतलब हमने कढ़ाई में तेल गर्म होने रख दिया था। तो हमें यहाँ पे तेल थोड़ा सा गर्म करना है, ज़्यादा गर्म नहीं। अगर ज़्यादा गर्म कर देंगे तो जो हमारे पकौड़े वो जल जाएंगे, क्रिस्पी नहीं हो पाएंगे अंदर से, ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगे अंदर से पक नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे हम इन्हें एक एक करके सेक लेंगे पकौड़ों को। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से सेकेंगे पकौड़े, और इन पकौड़ों को क्रिस्पी होने तक सेकना है। आप देख सकते हैं जब इसमें बबल्स आना कम हो जाए इसके बाद में हम इन्हें पलटेंगे। तो आप देख सकते हैं इन्हें हम अब पलट लेते हैं, बबल्स इसमें कम हो गए हैं तेल में। देखिए कितने क्रिस्पी बना है पकौड़ा। इसी तरीके से उलट पुलट करके इन पकौड़ों को सेक लेंगे। अगर आप इन पकौड़ों को 2-3 घंटे भी रखेंगे तो भी करारे और कुरकुरे बने रहेंगे। देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं पकौड़े, अंदर से सॉफ्ट होंगे ऊपर से कुरकुरे होंगे, आपको खाने में बहुत ही टेस्टी और मज़ा आएगा। इसी तरीके से हम और भी पकौड़े सेक लेंगे। आप चाहें तो इन पकौड़ों को बच्चों की लंच बॉक्स में भी रख सकते हैं। इसे आप इन पकौड़ों को हम परोसेंगे नारियल की चटनी के साथ, सॉस के साथ, ग्रीन चटनी के साथ। देखिए हम आपको एक पकौड़ा तोड़ के बताते हैं, ऊपर से कितने क्रंची है, अंदर से कितने सॉफ्ट हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।